ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭଲପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପିଟିଏସ୍ ରିଟେଲର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି উভয় কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লকডাউন সময়ত খাউটীমান আগুৱা পিড সামগ্ৰী বটনাই স্থিৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশানুসাৰে সবু খাউটীমান পিড্ৰী নেবা সময়ত এক স্বতন্ত্ৰ মেচিনে আঙুঠি চিহ্নী সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাই তে বৰ্তমান জিলাৰে কৰোনা পজিট সংখ্যা বৃদ্ধি পাওঁ বেলেগ শাটি পিড সামগ্ৰী নেবাই ডিলৰ পাখুন অপৰপক্ষে শাওটি গোটেই মেচিনে আঙুঠি চিহ্ন পিড সামগ্ৰী দেস্পৰ্শলৈ বহু লোক আক্ৰমণ বেপিব আশংকা কৰি পিডছ ৰিটেলৰ এনে সম্বলপুৰ মহানগৰ নিগম পিটি ৰিটেলৰ আছোচন তৰফু সম্বলপুৰ অতিৰিক্ত জিলাপাল জিলা যোগাণ অধিকাৰী সাক্ষাৎ কৰা দাবীপত্ৰ দিয়া আলোচনা কৰা ଏହା ସହ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଖାଉଟିଙ୍କ ମେସିନ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପିଡିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଖାଉଟିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି ପୂର୍ବପରି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟିମାନେ ଚଳିତ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଡିଏ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି नहीं यथाशीघ्र समाधान सूत्र बाहर करने को साधारण दावी हुई जी मेरा नाम अमित अग्रवाल है मैं वार्ड नंबर छः का डीलर हूँ जी हमारा परेशानी ये है कि राज्य सरकार की तरफ से आदेश आया है अभी राज्य सरकार की तरफ से आदेश आया है अभी कि हम को जो भी चावल गेहूँ वगैरह केरोसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो फिंगर प्रिंट लेके पब्लिक को देना है तो ये संभव नहीं है अभी कोरोना के चलते और कोरोना का जो लक्षण अभी संबलपुर में दिनों दिन बढ़ते जा रहा है इस कारण यदि हम अभी पब्लिक से फिंगरप्रिंट अगर लेंगे तो हमारे यहाँ पे भी हमको भी कोरोना होने का डर है प्लस पब्लिक में भी स्प्रेड वाला फैलेगा एक आदमी एक एक कस्टमर एक एक दुकान में 300 400 500 कस्टमर है अभी पहले हम स्टेट गवर्नमेंट का माल बांटेंगे फिर प्रधानमंत्री की तरफ से जो माल आया है वो वाला बांटेंगे फ्री वाला तो एक एक मतलब आदमी को हमको दो दो बार माल देना है चावल गेहूँ फिर केरोसिन तीन तीन बार यानी एक आदमी मतलब पंद्रह बार विजिट करेगा तीन तीन बार बोलने से एक एक दुकान में पंद्रह सौ मेंबर विजिट होगा तो आप खुद सोचिए वो कोरोना का लक्षण बढ़ेगा या घटेगा तो हमारा ये हम लोग ए को भी लिख के दिए हैं यहाँ हमारा अथॉरिटी को सी को भी लिख के दिए हैं कि हम विदाउट फिंगर प्रिंट में माल देंगे हमारे पास माल आ चुका है लेकिन वो लोगों ने हमको बोल रहे हैं कि अभी हमारा ऊपर में कोई ऑर्डर नहीं आया है इसीलिए आप लोग जो भी अभी निष्पत्ति नहीं होने तक आप अपना जैसा करना है व्यवस्था कीजिए तो इसीलिए अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं किए हैं ना ही अभी तक करेंगे और आगे जाके करेंगे जब तक हमारा इस मामले का कोई निष्पत्ति नहीं होगा तो हमारा ये डिमांड है कि ये जो हम फिंगरप्रिंट विदाउट फिंगरप्रिंट में माल हम लोग देना चाहते हैं फिलहाल कोरोना के चलते ये हमारा स्वीकार होना चाहिए बस हमारी ये विनती है जैसे कि हम लोग अभी डिलर एसोसिएशन तब से एक मीटिंग कॉल किया गया हम लोग आपस में बैठ के बातचीत किए उसके बाद हम लोग एक निष्पत्ति लिए उससे पहले भी हम एडीएम को एक चिट्ठी दे दे चुके हैं एडीएम को एक चिट्ठी दे चुके हैं कि हम लोग के ऊपर जो ये हो रहा है कि संबलपुर में और उड़ीसा में जिस तरह से कोरोना के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं इस वजह से लोगों को बार बार हमको प्रेशर किया जा रहा है कि लोगों का फिंगरप्रिंट लिया जाए फिंगरप्रिंट लेने की वजह से ये कोरोना बढ़ सकता है महामारी और बढ़ने का अंदेशा है इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिंगरप्रिंट लोगों का नया लिया जाए लोग भी सुरक्षित रहे हम भी सुरक्षित रहे हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे ऑफिसर को बोला गया है, तो ऑफिसर लोग बोलते हैं जब तक हमको ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया हम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारे दुकान में अब तक माल आके रखा हुआ है दस दिन से दस दिन हो गया माल रखे रखे हुए हम लोग एक लो, लोगों को एक परसेंट माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं और हम लोग का डिमांड यही है कि कि लोगों का बिना फिंगरप्रिंट लेके के हम लोग को माल दिया जाए संबलपुर सम्बलपुर जोशी का नवीन दास का रिपोर्ट महक टीवी न्यूज महक टीवी न्यूज सत्य जपरी खबर से हीपर लेटेस्ट खबर पर लाइक शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु महक न्यूज रो फेसबुक यूट्यूब एवं ट्विटर को अधिक तथ्य लगइन लॉगिन करंतु हम वेबसाइट www.mahaktv.in डब्ल्यू डट महाक्टी डट इन डाउनलोड करूँ महकटी आप प्ले स्टोर